म्यूजिक एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस तो हमने टेस्ट कर लिया है, लेकिन हमारा DRS जो दीक्षा रिव्यू सिस्टम है वो कैसे हम बोल सकते हैं, कॉलिंग टेस्ट करते हैं, वहां चलते हैं BMW के पास जो मेरी नहीं है। और इसके आउटपुट को लेकर मैं कहीं ना कहीं इंप्रेस हुआ, मैं आपको पर्सनली बताऊता बंद करो। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, ऑलरेडी हमें कुछ कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें बोट एडोप्स 125 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, जो कि हाफ रेंज के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, रिसेंटली लॉन्च हुए हैं बोट की तरफ से, और इसको मैंने पर्सनली परचेज किया हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से 1100 रुपए के आसपास, और इसके आउटपुट को लेकर मैं कहीं ना कहीं इंप्रेस हुआ हूं। आपको सब डिटेलिंग दिखाऊंगा प्रॉपर टेस्टिंग के साथ, आपको पता ही है, और इसको हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले भी देखा हुआ है, वो कहां देखा हुआ है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलने वाले हैं वैसे ईयरबड्स की तरह, सब डिटेलिंग आपको बताऊंगा ताकि एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट एडोप्स 125 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को ऐसा बिल्कुल आपको कॉम्पैक्ट सा बढ़िया आपको क्वालिटी का बॉक्स मिलने वाला है। फ्रंट में ही मेंशन, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, और बैक साइड में से कुछ फीचर्स मेंशन किए गए, मैं एक डिटेलिंग चेक करेंगे इस वीडियो में आगे। इसको हम क्विकली अनबॉक्स करेंगे तो भाई हमेशा की तरह आपको बहुत सारा भर भर के पेपर वर्क मिलेगा, वारंटी कार्ड मिल जाएगी, यूजर मैनुअल, थैंक यू कार्ड, आपको बोर्ड का ब्राउचर वगैरह वगैरह, आपको पड़ोसी का यहाँ पे शादी का इन्विटेशन कार्ड मिल जाएगा, एक छोटा सा आईएमए बोर्ड हेड का स्टिकर मिलने वाला है, साथ ही में आपको और भी स्टिकर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए, अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टिकर्स हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। एक यहाँ पे आपको एडिक्वेट लेंथ की आपको चार्जिंग केबल मिलेगी टाइप सी की टू चार्ज योर ईयरबड्स केस। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, ऐसा आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा केस मिलने वाला है, बीच में आपको मैट फिनिश, साइड में आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है, फ्रंट में आपको एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, एंड ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया केस में, और जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और ये बहुत ही छोटा सा केस है, पिद्दा सा केस है, कहीं भी कैरी करेंगे पोर्टेबल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस को आप जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन है, बट्स में आपको मिलने वाले हैं, मैग्नेट्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, प्रॉपर लॉक होल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो केस का लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है, बिल्कुल लूज लॉक दिया गया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉमिसिंग लॉक देना चाहिए था। और इसमें आपको प्लस पॉइंट यह है, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं केस को आप यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे कनेक्शन मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन ये लास्ट पे डिवाइस से प्रॉपर तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा। केस को आप जैसे बंद कर देंगे यहाँ पे आप डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा, IWB फीचर इसका एडिक्वेट तरीके से वर्क करता है। और बड्स आपको मिलने वाला है हाफ ने डिजाइन के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चैम शेप के, बोट के आपके लोगो दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा, मैट फिनिश दिया गया है और ग्लॉसीनेस दी गई है बड्स में, और जो बड्स का लुक एंड फील है, अगर आपको याद होगा हमने बोट एडोप्स एटम 81 को भी रिव्यू किया हुआ था काफी टाइम पहले, सेम आपको एक्जैक्टली लुक एंड फील के आपको बड्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपको वैसे सिमिलर लुक एंड फील के आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे इस चैम शेप के हाफ ने डिजाइन के। कानों में आप प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे, कानों में लटक जाते हैं, पूरा पैक नहीं करते हैं, बाहर की आपको साफ साफ एक्टिविटीज पता चलेंगे आपके बैकग्राउंड में क्या हो रही है, लेकिन ये काफी लाइट वेट ईयरबड्स, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं देख सकते हैं, मैंने काफी कोशिश की हुई है, कानों से ऐसे गिरते नहीं है, लॉक तो आपको सही प्रोवाइड कर देंगे। टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं आगे डिस्कस करेंगे। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, टोटल आपको 4 माइक्स मिलेंगे विद ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड बीस्ट मोड गेमिंग मोड मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और लगभग आप 4 से 5 बार फुली चार्ज कर सकते हैं ईयरबड्स को यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 5 मिनट चार्ज करेंगे आप ईयरबड्स के केस को, लगभग आपको 1 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। तो देखा जाए फीचर्स आपको बढ़िया मिलने वाले हैं, और सेम आपको एक्जैक्टली सब सेम फीचर्स मिलने वाले हैं बोट एडोप्स एटम 81 की तरह, कोई यहाँ पे फीचर्स पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। लुक एंड फील बड्स का जो फीचर्स है बिल्कुल आपको भर भर के मिलने वाले हैं, और सेम आपको मिलने वाले हैं बोट एडोप्स एटम 81 की तरह। तो यहाँ पे देखा जाए बोट ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे केस का डिजाइन अलग करके, कलर कॉम्बिनेशन अलग करके, सेम फीचर्स के साथ सेम लुक एंड फील के आपको ईयरबड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा, और अगर आप किसी भी ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आपका माइंड दे सकते हैं, और लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे ये बीस्ट मोड गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, कानों में आपको प्रॉम भी सुनाई देगा बीस्ट मोड करके, फिर से ट्रिपल टैप करेंगे लेफ्ट ईयरबड को तो ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा, किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, उससे बातचीत नहीं करनी, अगर आप डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिया गया, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो बीस मोड दिया गया है गेमिंग मोड 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी क्लेम की है, एक BGMI का गेम टेस्ट देख लीजिए इसके थ्रू।
गेमिंग आपको यहाँ पे सही मिलने वाली, जो 50 मिली सेकंड लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाई करती है, मुझे ज्यादा लेटेंसी फील नहीं हुई। स्टीरियो सेपरेशन भी आपको सही मिलने वाला है, लेकिन आपके कानों में प्रॉपर तरीके से पैक करेंगे आपको अच्छी लाउडनेस मिल जाएगी। इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स हैं, SBC-AC कोडेक का सपोर्ट, लाउडनेस आपको अच्छी मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पर आप सुन सकते हैं। वोकल्स पर अच्छा फोकस है, ट्रेबल्स भी आपको प्रॉपर मिलने वाले, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है जो छन छन की बैकग्राउंड में आवाजें आती हैं बैकग्राउंड एक्टिविटीज को लेकर, वो मेरे को लगा थोड़ी बहुत यहाँ पे एनहांसमेंट होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, थोड़ी बहुत एनहांसमेंट इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेकर होनी चाहिए थी। बाकी वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, उस पर फोकस था प्रॉपर तरीके से, ट्रेबल्स अच्छे मिलने वाले हैं। और बेस की बात करेंगे, बेस आपको मिलने वाले हैं अगर कानों में प्रॉपर तरीके से पैक होते हैं, क्योंकि ईयर कप्स तो नहीं है, लटकते रहते हैं कानों में, पैकिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपको अच्छे सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स बोल सकते हैं, अच्छे आपको डिसेंट बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। पंचिनेस नहीं, लेकिन आपको लगेगा हाँ सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं, डिसेंट आप बोल सकते हैं बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, हाफ नहीं जाएंगे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के हिसाब से। कॉलिंग की बात करेंगे, 4 आपको माइक्स मिलने वाले हैं, 2-2 माइक्स दोनों ईयरबड्स में, ENX टेक्नोलॉजी, DRS हमारा देख लीजिए, दीक्षा रिव्यू सिस्टम आप। हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस रेस्ट कर रही थी। रेस्ट कर रही हो? अभी अभी मेरे पास यहाँ पे बोट एडोप 125 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, मैंने यहाँ पे परचेज किए हुए हैं। हाँ? अभी मैं उनसे ला के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ आउटर कंडीशन में, ईयरबड से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तुम्हें कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफी क्लियर लग रहे हैं और लाउडनेस भी अच्छी है। ठीक है, अभी एक्टिविटी गाड़ियां जा रही है, विंड नॉइज तुमको लेके उनकी एक्टिविटीज में पता चल रही है? हल्की फुल्की पता चल रही है, लेकिन आवाज तुम्हारी आवाज पे काफी ज्यादा फोकस्ड है, तो इसलिए वो बैकग्राउंड से एक्टिविटी से मैटर नहीं कर रही है, कॉलिंग अच्छी है काफी। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज से फोकस बोल सकते हो? 85% तक। 85% तक फोकस है? हाँ, 85 से 90 भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अच्छा खासा फोकस है। ओके ओके, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ, बाय। कॉलिंग यहाँ पे आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, इंडोर कंडीशन में आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से घर में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आउटडोर कंडीशन में भी काफी होता है एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की, आपके आवाज़ से बिल्कुल फोकस रहेगा। इसको आप डेफिनेटली अगर आपको 1100-1100 के आसपास ईयरबड्स चाहिए हाफ डिजाइन के मेनली फॉर कॉलिंग पर्पस, कॉलिंग इसमें आपको बढ़िया मिलने वाली, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे आप रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस को हम करेंगे रेटिंग्स आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8/10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7.5/10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 9/10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9/10। दिस आर द रेटिंग्स फ्रॉम टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 1100 रुपए। 1100 के हिसाब से हाफ एंड डिजाइन के ईयरबड्स अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, अच्छे आपको लाउडनेस मिल जाएगी, वोकल्स पे सही फोकस, ट्रेबल्स आपको बढ़िया मिल जाएंगे, अच्छे आपको सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन थोड़ा बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी, कॉलिंग आपको परफेक्ट मिलने वाली है, गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने तब भी आपको सारी सारी टेस्टिंग प्रोज एंड कॉन्स बता दी, आप पे डिसीजन मैटर करता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पॉसिबल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, क्वालिटी टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट ईयरडॉप्स 125 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।